हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज आप लोगों से बहुत अच्छा सा एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ से हम लोग चंडी देवी दर्शन कर चुके थे और उसके आगे का ब्लॉग है जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ हम लोग वहाँ से आने के बाद हम लोग जा रहे थे मनसा देवी दर्शन करने। तो सबसे पहले रास्ते में ना ये टैटू जो होता है ना, ये मेहंदी इस तरह से लगवाना, तो भगवान जी का नाम लिखवाना, तो बच्चों को बड़ा शौक चढ़ा था करवाने के लिए। फिर कृपा ने किया महादेव जी का, बहुत माँ लिखवाया था कृपा ने, और बहुत प्यारा सा लग रहा था ये। और मेरा मन था लगवाने का, बट अभी ना हम लोगों को जाना था चंडी देवी मनसा देवी दर्शन करने जाना था, तो इसीलिए मैंने नहीं किया, नहीं करवा लगवाया था। और यहाँ का व्यू देख रहे हैं आप हरिद्वार में, कितना अच्छा व्यू है यहाँ। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ये था कि सबने करवाया। आयान को थोड़ा सा जल रहा था अजीब सा, और आयू को थोड़ा सा ना दाने वगैरह हो गए थे, इन्फेक्शन सा हल्का सा हो गया था। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, क्योंकि आयू की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उसकी, तो इसीलिए ये सब ये चीज़ जो है ना उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर गई थी, नॉर्मल दाने में से, और थोड़ा सा जल रहा था। फिर ये दो दिन बाद उन्होंने कहा था कि वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। फिर हम लोग मनसा देवी के लिए निकल पड़े थे दर्शन के लिए, बच्चों को होटल पे छोड़ दिया था सबको, क्योंकि बहुत थक गए थे वो लोग बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग दर्शन कर लेंगे। यहाँ पे बहुत प्यारी सी है डोलची, हम लोगों ने देखा, यहाँ की फेमस है, और हर की पौड़ी लिखा था। सो हम लोगों ने जब देखा ना, तो वो ना अल्मोनियम की थी, इसी वजह से हम लोगों ने लिया नहीं। हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी दर्शन करने। और जैसे वहाँ पे हम लोगों ने नंबर लगाया था रोपवे के लिए, तो यहाँ पे नंबर तो नहीं लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे रोपवे में लाइन से जाना पड़ रहा था। और ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें खाने पीने की आपको रास्ते में रेस्टोरेंट मिलेगा, जैसे चंडी देवी में मिला था हम लोगों को। और यहाँ से हम लोग जो एंट्री हुई थी रोपवे में, सो यहाँ से रोपवे स्टार्ट हो गया था। एंड ना इतना डर लग रहा था, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ का तो इतना ज़्यादा नहीं जितना चंडी देवी का, बहुत ही ज़्यादा ऊपर था। यहाँ का नॉर्मल ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी। और यहाँ हम चारों लोग आए थे और इतना अच्छा लग रहा था हम लोगों को, बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी सुंदर सा व्यू है यहाँ पे, आप लोग इन्जॉय करिए। और यहाँ पे आपने देखा ना, ये ना जूट वाले बैग थे, जस्ट जहाँ हम लोग रुके थे जस्ट उसके बगल में ही शॉप थी। एंड लेने का तो बहुत मन था, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सारे कलेक्शंस थे, बट ये ना वाटरप्रूफ नहीं होते, कपड़े के होते हैं नॉर्मल। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं लेंगे, फिर हम लोग वाटरप्रूफ वाला ढूंढते, इनके पास नहीं था। एंड यहाँ पर काफ़ी एंटिक सुंदर सुंदर सी चीज़ें थी डेकोरेशन के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। वैसे तो हर जगह ही अवेलेबल होती है। और कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने उनका भी वीडियो ले लिया था। फिर और काफ़ी अच्छी एंटिक पीसेज होते हैं, अगर हम कहीं भी जैसे ट्रैवलिंग में जाते हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं।
कबाए हैं चाय पीने और हम लोगों ने एक चीज ली है अभी, हम लोग सब लोग चाय पीने के लिए। ये क्या लिया है? बॉटल कवर बहुत अच्छा। तो ये देखिए मैंने यहाँ का हरिद्वार का फ्रिज मैग्नेट भी लिया है। कपड़े वगैरह चेंज कर लिया। ओह माय गॉड, ट्यूब लगाना पड़ा मुझे, इतना मैं थक गई थी। सभी थक रहे थे एक्चुअली, मैं अकेली नहीं। और हाँ, यहाँ बहुत अच्छा सा सॉन्ग हो रहा है, डांस हो रहा है। क्यों, कैसे हो रहा है मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। बस जा ही रही हूँ मैं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, वीडियो एडिट कर लिया था मैंने। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ क्या मस्ती हो रही है, पार्टी। अरे यार, मैंने तो सैंडल ही नहीं पहनी है, खाना खाने जा रहे हम लोग। अब लगी है भूख इतना डांस करने के बाद, भूख तो लगेगी ना इतना सारा डांस। चलो चलते हैं फिर। अरे ले लो जरा, ये देखो डांस करके सब पसंद करते हैं। और ज्यादा एनर्जी आ गई थोड़ा डांस करने के बाद और ये है मथुरा की गलियां। और इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे, मतलब मथुरा नहीं सॉरी हरिद्वार की गलियां, मुझे मथुरा नाम आता है वैसे, है तो सब वहीं भगवान जी है। और हरिद्वार की गलियाँ इतनी अच्छी, मार्केट थी और हर जगह भगवान का नाम ये वो, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। बहुत ही अलग सी वाइब्स होती है ना जब आप कहीं तीर्थ स्थल आते हो। और यहाँ बहुत ही सुंदर है, एंड मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस था। आप लोग आए हैं या नहीं मुझसे शेयर करिएगा, या जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस समय आ सकते हैं। क्योंकि इस समय ना हम लोगों को आने का बहुत कन्फ्यूजन थी, कुछ लोग कहते बाढ़ आ रही है वहाँ, ये है वो है, बहुत पानी है और लोग नहीं जा रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप बेफिक्र यहाँ अभी। हाँ बट आप जुलाई तक आ सकते हैं, बट आप अगर अगस्त में जाना चाहें ना तो आप नहीं आ सकते, बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाती है। मतलब यहाँ के लोगों ने बताया है, मतलब अभी तो हम लोग ऋषिकेश में हैं, ऋषिकेश का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। सो इसी वजह से मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर अभी आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगस्त तक काफ़ी बारिश है। और यहाँ पे घाट के पास ये देखिए पूरी मार्केट है, काफ़ी सुंदर सा। एंड पानी तो इतना घना था ना कि मैं क्या कहूँ, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है यहाँ पर। वो बारिश के वजह से है, मिट्टी का आता है ना, इतना डेंजर लग रहा है, इतनी तेजी से कल सुबह लोगों को डर लग रहा है कैसे हम लोग कल सुबह नहाने वाले। तो हम लोग आ गए थे यहाँ रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, रात का डिनर तो बहुत ज़रूरी है। एंड ये वाला रेस्टोरेंट आई थिंक पंडित जी करके कुछ नाम था, सो काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया था डिनर, क्या क्या खाया था आप लोगों से आप लोग शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा डिनर था यहाँ पे और काफ़ी बड़ा था, मतलब अच्छा खाना, बहुत मुझे अच्छा, हम लोगों को अच्छा लगा कि हरिद्वार में खाना अच्छा रहता है।
यहाँ हम लोग आए थे मार्केट हैंडबैग लेने के लिए। सिस्टर ने बहुत अच्छा सा एक हैंडबैग लिया है और मैं भी लेने जा रही थी। सिया के लिए भी मैंने लिया क्योंकि नॉर्मली जानते ना हर जगह मैं हैंडबैग ज़रूर लेती हूँ, मुझे इतने पसंद है। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे थोड़ा सा स्पेस अच्छा चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर आप वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो मतलब टूटे ना, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, मुझे सही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये ले लूँ वो ले लूँ, फिर मुझे बिल्कुल नहीं वो हो रहा था कि मैं कौन सा लूँ, और क्वालिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने फिर नहीं लिया। कि जो बगल में ब्लू वाला था ना, वो सिस्टर ने लिया था एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी थी, ऐसी दूसरी डिज़ाइन भी नहीं थी, दूसरा था नहीं। फिर मैंने कहा कि चलो रहने दो, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास दो हैंडबैग मैं ऑलरेडी लेकर आई हूँ। और ये वाला सिया ने लिया था, सिया को बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा था स्पेस ऐसा लो कि स्पेस हो अच्छा खासा। और ये भाई किट्टू का है हैंडबैग छोटू सा, जो वो इतना परेशान थी, और काफ़ी अच्छा लगा था ये वाला हैंडबैग, बहुत ही सुंदर सा है, क्यूट सा, थोड़ा बहुत मतलब छोटे बच्चों का जैसे स्पेस होना चाहिए ना, उस टाइप का इसमें स्पेस भी है। और ये है सिस्टर का हैंडबैग, काफ़ी अच्छा लगा ये वाला डिज़ाइन, और वर्क इसका बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, आप लोग बताइए। और स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 3 चैन 3 पॉकेट उस तरह से दिया है, और 4-5 मतलब दिया हुआ है। तो अभी हम लोग खाना खाकर आए हैं, प्लस उसके बाद हैंडबैग्स लेकर आए। मुझे अच्छा ही नहीं लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने लिया, मैंने सिया ने लिया है, सिस्टर ने लिया, किट्टू ने लिया, और बस आज का फुल डे था। हाँ, ओ माय गॉड, कृपा अपना हैंडबैग दिखा रही हो, सो क्यूट, उल्टा दिखा रहे हो आप, ऐसे दिखा, ऐसे, ये देखिए बहुत छोटा सा क्यूट सा है। सो आज का फुल डे आप लोगों से शेयर किया है, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, बहुत सब थक गए, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय माता दी, राधे राधे। बोलो भाई से, बोलो भाई से।